हमारे नजर में तो अजीत शर्मा है। राजेश वर्मा, चुनाव जीतना होता है तो अपनी बेटी को बुला लेते हैं। हाँ, दूसरी बार तो मैंने चेहरा भी नहीं देखा। प्रीति शेखर, वो भी अच्छा काम कर रही है। जनता की ही कमी है। नवंबर में बिहार विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, लेकिन बिहार में कोरोना का काल खत्म नहीं हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग के पास एक समस्या होगी चुनाव कराने की, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का खतरा बिहार में सूबे में बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर हर कोई चिंतित है। हालांकि खबरों की अगर माने तो इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में 31,000 नए बूथों मतदान केंद्रों का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही जो कोरोना से संक्रमित मतदाता होंगे उनके लिए पोस्टल मतदान करवाने की तैयारी चल रही है। हालांकि इस बात की अभी तक आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की गई है। आज भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में है, और बरसों से जो ये मुद्दा रहा है भागलपुर का, क्या इस बार भी चुनाव में यही मुद्दा रहेगा? हमारे साथ हवाई अड्डा मैदान में भागलपुर के कुछ युवा हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार भी बिहार विधानसभा के चुनाव में भागलपुर का जो मुद्दा होगा वो हवाई अड्डा होगा। सर, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम नीव कमल कुमार हुआ सर। बरसों से भागलपुर का मुद्दा रहा है हवाई अड्डा, भोलानाथ पुल, जाम की समस्या, क्या लगता है इस बार भी ये जो है हवाई अड्डा जो है यहाँ से हवाई सेवा परिचालन शुरू करवाने का मुद्दा रहेगा? जी सर, होना तो चाहिए। तो यहाँ से आपके नज़र में कोई भागलपुर का प्रत्याशी जिसके हाथों में बागडोर इस बार सौंपी जाए, विधायक बनाया जाए? हमारे नज़र में तो अजीत शर्मा है। अजीत शर्मा, क्यों है अजीत शर्मा? देखिए, एक सवाल मेरा रहेगा, आप अगर किसी का नाम लेते हैं तो क्यों, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। जी, हम जरूर जवाब देंगे, क्योंकि अजीत शर्मा जी हमारे मोहल्ले में काम अच्छे कर रहे हैं और अच्छे विधायक भी हैं, और आते हैं हम लोग से मिलने भी, दिक्कत भी हो तो हम लोगों को समस्या को निदान करते हैं। तो इस बार भी अजीत शर्मा? जी। कुछ और लोग हैं, क्या लगता है सर, अजीत शर्मा या फिर कोई दूसरा? युवा वर्ग में राजेश वर्मा, और उनसे मेरा एक ही अनुरोध है कि समस्या जो विक्रमशिला पुल का है, 4 साल से रह रहे हैं, गर्मी हो 12 का 12 महीना जाम लगा रहता है, कितने को मौत हो जाता है, हम भी फंसे हैं, मेरे पिताजी भी फंसे हैं, तो उनको लाया जाए जो कम से कम जब समस्या को ख़त्म करें। और दूसरा चीज़, वर्षों से जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है हवाई अड्डा का काम, इनसे छोटा भी कम से कम प्लान चलाया जाए। मैं बीजेपी की सपोर्ट करता हूँ और करूँ, लेकिन भागलपुर से राजेश वर्मा और विधानसभा से कोई युवा वर्ग, चाहे वो आपका जदयू का हो, राजद का हो, कोई युवा वर्ग होना चाहिए वहाँ से, विधानसभा से युवा। हाँ, और भागलपुर से राजेश वर्मा? जी, एकदम एग्जैक्ट। अच्छा, सही। तो राजेश वर्मा क्यों? राजेश, देखिए, युवा चेहरा है, भविष्य देखना, प्रेजेंट फ्यूचर। ये बुढ़ा बुजुर्ग लोग कहाँ से लाएंगे, लोग कितना पढ़े लिखे हैं। पिछली बार बात करें तो अश्विनी चौबे के जो पुत्र हैं अजीत सातवत, बहुत कम वोटों से वो पराजित, वो विदेश में पढ़ के आए हैं, यहाँ जो यहाँ पर रहे हैं, यहाँ के हर एक गलियारे को जानते हैं, उनको हम वोट देंगे? वो समझे, एक फोन करते हैं तुरंत आ जाते हैं, हाँ वो बताओ क्या समस्या है, युवा वर्ग को देंगे सीधे, युवा वर्ग एकदम सही। क्या लगता है इस बार किनको, किनके हाथों में भागलपुर का जो है बागडोर सौंपा जाए? देखिए, भागलपुर का बात जहाँ तक रहा, हम लोग स्टूडेंट, हम लोग के सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी यहाँ बहुत ज्यादा है, बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। बेरोजगारी बिहार में बेरोजगारी है, चलिए इस बात को मान लेता हूँ, लेकिन भागलपुर की बात करें तो भागलपुर का जो मुद्दा रहा है बरसों से, भोलानाथ पुल का जो है मुद्दा आपका रहा है, और हवाई अड्डा, हाँ तो बनना चाहिए, लेकिन इस क्या लगता है आपको कि ये केंद्र की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, अब तो बनना चाहिए सरकार है। तो इस बार भागलपुर से कोई चेहरा आपको ऐसा दिखता हो या लगता हो जिनके, यंग जनरेशन का, यंग जैसे राजेश वर्मा जी हुए, वो आगे बढ़े तो सोचना पड़ेगा, कोई युवा जो युवा के बात माने, जो काम करे, विकास करे। सर, क्या लगता है इस बार किसके हाथों में बागडोर सौंपी जाए भागलपुर? आप बात करते हैं भोलानाथ पुल, जाम और हवाई अड्डा, आप देखें यहाँ पे, यहाँ के जो पीपल हैं वही लोग नहीं बनने देंगे। देखिए, तीन तीन जगह टूटा हुआ है, बनता है तोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि आना है सबको अंदर में। और दूसरी बात है, आपने अपना एजुकेशन सेक्टर देखा है, जो आपके कैसे आपका ये अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, ये पढ़े लिखे नहीं है आपके जो नेता है, एक भी आप बता दीजिए जो पढ़े लिखे हों बिहार में, मुश्किल से 2 या 3 होंगे। एजुकेशन सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, वहाँ नहीं रहा तो आपको इम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। हम लोग, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ प्रॉपर, अगर हम लोग वहाँ जाते तो हम लोग से पूछा जाता है आपके वहाँ पे कॉलेजेस नहीं है क्या, अच्छे क्यों आज तक बने ही नहीं है? आप 15 साल पहले जाइए तो बोलते थे कि राजद की सरकार है, खा लिया, जो किया घपला किया। 15 साल जो तो नीतीश कुमार है, वो तो ईमानदार है ना, आज तक कोई इंडस्ट्री लगा है? नहीं लगा है।
तो आप इसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि पुल बन जाए, पुल का जाम का ये सॉल्यूशन? आपने रोड देखा है कभी यहाँ का? रोड 10 दिन के अंदर पूरा रोड खत्म हो जाता है। कभी आप इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने जाके देखिए, आप दिन में नहीं दिखेगा इतना रोड खराब है। तो बेसिकली आपका है क्या कि अनएम्प्लॉयमेंट एक तो सबसे बड़ा ये स्टूडेंट लाइफ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा, वो अगर नहीं रहेगा तो फिर आपका आप फ्यूचर कैसे देख सकते हो? और दूसरा चीज़ है, अगर आप बात करो तो युवा बेटर है राजेश वर्मा है, जैसे ऐसे कांग्रेस के अजीत शर्मा ने भी काम किया, लेकिन स्टार्टिंग में जो एक साल जो उनको मिला था उस समय काम किया उन्होंने, आए भी देखने भी आया, बट उसके बाद जो वो जीते उसके बाद दोबारा मैंने चेहरा भी नहीं देखा। दूसरी बार जीतने के बाद? हाँ, दूसरी बार तो मैंने चेहरा भी नहीं देखा, पहली बार मैं देखा काम किया रियली में काम किया, दूसरी बार तो मैंने देखा भी नहीं है। सर क्या लगता है इस बार भागलपुर विधानसभा का कमान किनके हाथों में सौंपी जाए? जी राजेश वर्मा के हाथ में सौंपना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी जो COVID-19 का काल है, जो भी वायरस का चलन है अभी अपने इंडिया में, उनमें उन्होंने अच्छा काम किया है भागलपुर के लिए और गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो हर एक बस्ती में जाते हैं, हमारे बीच आप हमारे आपके बीच आते हैं और देखते हैं हमारे आपके बीच समस्या क्या है और उसका समाधान निकालते हैं वो, तो इसलिए राजेश वर्मा। जी बिल्कुल, राजेश वर्मा को। और अगर मान लीजिए युवा देना है तो और युवा को दीजिए, राजेश वर्मा को आप नहीं देते। यानी कि युवा का चेहरा कोई आए उसको लेकर? हाँ, क्योंकि जब तक काम नहीं करेगा वोट नहीं देंगे, काम करेगा वोट पाएगा। अगर ये जनता अपने आप में ठान लेती है जब तक काम नहीं करेगा वोट नहीं देंगे, तो किसी का मजाल नहीं है कि जीत पाएगा। तो क्या लगता है कि इस बार भागलपुर से हवाई जहाज सेवा का परिचालन संभव? बिल्कुल नहीं, ये तो संभव वाली बात है, इस बार भी नहीं होगा। आगे के 10 गारंटी देते हैं कि 10 साल आगे का जो 10 साल आने वाला है इसमें भी नहीं होगा। शहर में जाम बिल्कुल नहीं, सब वैसा का वैसा ही रहेगा, न रोड बनेगा न हवाई अड्डा का चलन शुरू होगा, कोई काम अच्छे तरीके से कुछ नहीं होना है, ना एजुकेशन सेक्टर ठीक होगा, ना इंडस्ट्री लगने वाली है। सारे जो भी नेता हैं सारे जीत जाते हैं, घोटाला करते हैं, अपने पैसा अपने पास रखते हैं और कुछ नहीं, जनता के लिए कुछ नहीं करते। ऐसा क्यों लगता है? देखते हैं, ऐसा ही देखते हैं सरसों से ये। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी 10 साल से यहाँ हैं अपने होशावास में, देख रहे हैं सब कुछ ऐसा ही चला आ रहा है जैसा बरसों से है, जैसा अपने बुजुर्गों से सुनते आ रही है समस्या उस दिन से है तो आज भी है। तो इसलिए युवाओं से? बिल्कुल, युवाओं को मौका देना चाहिए और उन्हीं को वोट देंगे, नहीं तो नोटा में वोट जाएगा। युवा की बात करें तो यहाँ से वर्तमान में जो अभी तक नजर आ रहे हैं, एक अरिजीत शाश्वत हैं और एक राजेश वर्मा जी हैं। अरिजीत शाश्वत पिछली बार बहुत कम मतों से पराजित हुए हैं, तो क्या लगता है? देखिए अरिजीत शाश्वत इसलिए उनको इसलिए नहीं हम चुनेंगे क्योंकि भागलपुर से उनको चुना जाता है, मतलब विधानसभा से, उनको आज तक देखा भी नहीं जाता है यहाँ। जब भी आते हैं तो अपने या तो पिताश्री के पास रहते हैं, कभी एक बार जनता के बीच भी आना चाहिए उनको। हमारे ये अजीत शर्मा जी हैं, उनको चुनाव जीतना होता है तो अपनी बेटी को बुला लेते हैं, रोड शो करवा देते हैं, इनसे चुनाव नहीं जीता जाता सर। अब रही बात उनकी, तो राजेश वर्मा को ही चुना जाएगा, अरिजीत शाश्वत को तो। शहर में एक नाम और भी है, प्रीति शेखर, वो भी अच्छा काम कर रही है, नो डाउट अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारा जो है वो राजेश वर्मा ही। चलिए, क्या लगता है सर, आप ये बताइए कि पहली बार तो आपसे ये जानना चाहेंगे क्या मुद्दा वही रहेगा बरसों से जो चली आ रही है मुद्दा यहाँ का? दूसरा सवाल आपसे यह भी रहेगा कि आखिर किनके हाथों में कमान सौंपी जाए, कोई चेहरा शहर में आपके नज़र में? देखिए सरकारें बदलती हैं, मुद्दे नहीं बदलते कभी भी। आप पिछले जितने भी सारे उदाहरण देखेंगे, मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं करूँगा, आप किसी भी सरकार को देखें, गिनती से मुद्दे बदलते हैं, मुद्दे वही रहते हैं, वही सड़क, वही पानी, वही बिजली, वही मुद्दा रहने वाला है इस बार भी। और ऐसा कोई खास काम आपको दिखेगा नहीं, आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने पिछले 15 साल में सड़क पे सबसे ज़्यादा जोड़ दिया है, लेकिन आप गौर करेंगे तो पाएंगे आज भी वो सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। आज भी आप अपने आस पास के सड़कों का ब्यौरा ऑनलाइन नहीं देख सकते हैं, कौन सा रोड पास हुआ है आपको पता होगा? नहीं पता कर सकते हैं आप, ऑनलाइन होना चाहिए ना, कि अगर मेरे पास का रोड कोई पास हुआ मेरे को नॉलेज होना चाहिए कि ये रोड पास हुआ, ये हमको पता ही नहीं है। तो जो ठेकेदार होते हैं कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो अपने हिसाब से मन मर्जी करते हैं, तो आपके पास वो सिस्टम नहीं है, आपने उसमें डेवलप नहीं हुआ। एग्ज़ाम पर्पज़ से आप देखिए ना, आप वहाँ पे आप एक ट्रांसपेरेंसी नहीं ला पाए ना, आपके पास ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, इसीलिए आपके इतने जो है क्वेश्चन आउट होते हैं, लीक होते हैं सारे चीज़ें। हर जगह जो है ट्रांसपेरेंसी की कमी है, यहाँ के नेता ना बूढ़े हैं, यंग्स का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ जवान खून होना चाहिए, गर्म खून होना चाहिए, नहीं, वो दिमाग से बूढ़े हैं, पैदल हैं सारे के सारे। कहते हैं ना, बहुत पहले सुना जाता होगा कि घुटने में बुद्धि होती है, सभी के सभी वही हैं, इनोवेटिव कोई नहीं है, उनके पास ये सोच नहीं है कि हम वेल्थ को जनरेट कैसे करें। आप यहीं लोगों से पूछें ना, यहाँ जितने भी लोग हैं मैक्सिमम आपको कम से कम इंटर पास तो मिलेंगे ही, मैक्सिमम आप उनसे पूछो ना, उनको पता नहीं है वेल्थ कैसे जनरेट किया जाता है।
तो जब इनको नहीं पता है तो कहाँ से ये जो चलन चला आ रहा है वो कहाँ से आया? हमारे लीडर से चला आता है। आप जैसा देखोगे वैसा सीखोगे। हमने वैसा लीडर पैदा ही नहीं किया। आप वो कहते हो, मैं अभी कहूँगा ना कि मुझे वोट दो, कोई नहीं देगा, लेकिन यही अरिजीत शाश्वत यहाँ आएगा ना तो उसके पीछे सभी चले जाएंगे। क्या किया है आज तक अरिजीत शाश्वत ने? यहाँ रह के ही क्या कर लिया है? सब दिन उसने, मान लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई लिखाई की, यहाँ आकर के क्या किया है? एक काम बता दीजिए हमको, दंगा कराना छोड़ करके, जो रामनवमी वाला केस अभी तक चल रहा है उनके ऊपर, क्या किया है? कुछ नहीं किया है। नहीं, काम की बात आई तो वो सत्ता में अभी तक नहीं आए, जीते नहीं। अच्छा एक बात बताइए मुझे, काम करने के लिए क्या सत्ता में आना जरूरी है? आपके पास इतना बड़ा सपोर्ट है ना, उनके पिताजी सांसद हैं बक्सर से, इतने दिनों से आप संगठन में हैं, आप किसी संगठन से जुड़े हैं, तो क्या आपको काम करने के लिए किसी दूसरे चीज की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। आपके पास एक फुल फ्लेज्ड संगठन है आपके साथ काम करता है। आप आरएसएस के साथ जुड़े हैं, आप बीजेपी के साथ जुड़े हैं, दोनों का अपना एक बहुत व्यापक संगठन है, दुनिया के सबसे बड़े संगठन में से एक मानी जाती है आरएसएस और बीजेपी। उनका फुल फ्लेज सपोर्ट मिलता है अरिजीत शाश्वत को या फिर अश्विनी चौबे को। अश्विनी चौबे की बात करते हैं ना, भागलपुर से कोई चेहरा अभी तो मुझे फिलहाल तो कोई ऐसा चेहरा दिखता नहीं, एक दो है तो मुझे नहीं लगता कि उसे चांस दिया जाएगा। अगर आप लोकल लीडर की बात करें, अगर प्रीति शेखर और राजेश वर्मा की, तो या फिर मृणाल शेखर की बात करें, तो मुझे नहीं लगता इन तीनों में से किसी को चांस मिलने जा रहा है। बात रही अगर आप देखें अजय मंडल, तो उनका कोई तो नामो निशान ही नहीं है कि वो कहीं दिखते भी हैं, जो उनसे कुछ आप उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा लीडर आपको ला करके दें। एक होता है ना कि आप संगठन एक बात, एक, बात आप, एक सवाल आपसे है कि जब लोगों को पता रहता है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, वो एजुकेटेड नहीं है, उनका क्वालिटी नहीं है, उसमें एबिलिटी है नहीं है, तो फिर भी ऐसे कैंडिडेट को, प्रत्याशी को वोट करना, वो भी सांसद बना देना और जिता देना, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि जनता में भी कुछ कमी है? एब्सोल्युटली, जनता की ही कमी है। ऑफलाइन के वजह से, एग्जाम ऑनलाइन नहीं होने की वजह से जो होता है, क्वेश्चन लीक हो जाता है, उसके वजह से कितना आदमी बेरोजगारी बैठा। भागलपुर से आपके नज़र में विधायक को लेकर कोई प्रत्याशी जो कि इस बार की बागडोर संभाल सकते? राजेश वर्मा। उसके क्यों? क्योंकि वो काम करता है, हर चीज़ से वो काम करता है, हर चीज़ के लिए। ऐसे जैसे कि वो COVID-19 में हर गरीबों को मदद किया, बुलाने पे आया है, ऐसा कोई नेता है जो आपके नज़र में कोई आया? आपने कभी अजय मंडल को देखा है कहीं आते हुए? कभी देखा है किसी को अजय मंडल को? कभी सुना है कि आया यहाँ पे ये मदद? अजीत शर्मा। अजीत शर्मा तो और बकवास है, उसको तो कभी वोट नहीं देना चाहिए, वो तो अपना बिजनेस संभाल रहा है। कभी सुने वो अपने वो से निकला? चुनाव में, इस बार चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा आपका? किस चीज़ को मुद्दा बनाया? मुद्दा ये पहले बेरोजगारी हटा, बेरोजगारी सबसे बड़ा चीज़ है अभी जो भोलानाथ पुल, हवाई जहाज, ये सब सारा मुद्दा। ये कभी नहीं होगा, कभी होगा ही नहीं। 15 साल से हम लोग यहाँ पे हैं, कभी देखे हैं? बहुत बार सुने हैं कि ये होने वाला है, कभी होता है? रोड को देखिए, कभी हुआ है कि वो बनता है? जो भी रोड पे फंड आता है वो आधा रखता है, आधा छिपा लेता है। क्यों? हवाई अड्डा से यहाँ की जनता थी, यहाँ के ग्रामीण थे, आसपास के लोग थे, और इनकी राय जो है हम आप तक पहुँचाए। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कीजिए। आपके सवाल को हम अगली बार जब भी कहीं जनता के बीच जाएंगे तो आपके सवाल को हम जरूर रखेंगे। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, कैमरा के पीछे सलमान अनवर मौजूद हैं। अगर हमारा ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।